Welcome back, guys. First of all, happy new year to all of you. And secondly, we are almost there to hit my first 100 subscribers. So just keep supporting me like this, and I got something new to wish you happy new year in a different way. Oh fuck! Pichu, 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 pichu. क्या हुआ? ये फोटोज देख तू. ये आज सुबह मैंने खींची हैं. और ये लड़का है ना इसके साथ, बेबो नाम है इसका. दिल्ली का सबसे मशहूर गया है. अखंड चुतिया पवेंच. ओके. Hello guys, you are watching Content Mixture. My name is Rishab and today's video we are going to talk about 5 insane applications. So let's start the video without any delay. So guys, हमारी first application का नाम है edit web page. हम सभी दोस्त हैं कि हम कोई website या web page edit कर सकते हैं. तो यार ये application आपके लिए बिल्कुल सही है, troll करने के लिए और किसी को भी cool बनाने के लिए. तो जैसे कि मैं यहाँ पे Google पे अपना कोई भी model या कोई भी मोबाइल का प्राइस चेक करता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेज़ॉन पे मैंने एसेट का प्राइस देखना है कि क्या है करंट प्राइस. नॉर्मल सी बात है, हम यही करते हैं. तो अब यहाँ पे न्यू क्या चीज़ है, सेम वेबसाइट रहेगी आपका, सेम सब कुछ रहेगा. आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पे आपको एडिट बटन दिख रहा है, एडिट बटन को दबाइए. दबाने के बाद यहाँ पे जो चीज़ आपने एडिट करनी है उसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर दो. जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका प्राइस रख देना 999. तो इसके बाद ये आप सेव कर दीजिए इसको दोबारा दबा के. फिर ये मतलब नॉट अनचेंजेबल हो जाएगा. अनचेंजेबल होने के बाद जो आपको यहाँ पे एक कैमरा बटन दिख रहा है, कैमरे के ऊपर जो प्लस बटन है यही आइकन, इसी को दबा दीजिए तो एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा उसका. तो आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हो, आगे किसी को भी फूल बना सकते हो. तो गाइस, हमारी सेकंड एप्लीकेशन का नाम है क्रूक कैचर. क्रूक कैचर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें अगर सपोज आपका कोई मोबाइल चोरी कर लेता है या फिर आप कहीं पे रख के भूल जाते हो या फिर कोई अनवांटेड पर्सन जिसे आप नहीं चाहते कि वो आपको फ़ोन देखे और आपने सिक्योरिटी लगा रखी और वो रॉन्ग अटेम्प्ट करता है, रॉन्ग अटेम्प्ट करने के बाद जो आपका फ्रंट कैमरा है उसकी पिक्स ले लेगा अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया, तो साथ ही साथ वो आपके फ़ोन की लोकेशन पिक्चर्स भेज देगा. तो ये देखो यार, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ईमेल नोटिफिकेशन, डिवाइस नोटिफिकेशंस की एनेबिलिटी, लोकेशन अलर्ट मैसेजेस. तो चलो अगर मैं अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अटेम्प्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि एक अटेम्प्ट पे होना चाहिए, दो तीन या चार पे. तो अब ये मैंने कर दी स्क्रीन लॉक. तो यार कुछ भी रख दूँ मैंने, जैसे कर दिया अब ये. तो यहाँ पे इसने मेरी मतलब पिक्स ले रही है फ्रंट कैमरा से और ये इसने लोकेशन भी देख ली है. लोकेशन भी इस आपकी ईमेल पे सेंड कर देगा या फिर जो आपने मोबाइल नंबर इस पे फीड किया हुआ है वो भी हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे आ रहा है अब. हमारी थर्ड एप्लीकेशन का नाम है टेक्स्ट रिपीटर. अब जैसे कि हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि कई सारे मैसेजेस आए होते हैं, कॉपी पेस्ट करके रीड मोर की ऑप्शन होती है नीचे, उससे कैसे बनाते हैं आप सोचते होंगे. कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसको ओपन करें. यहाँ पे जैसे कि मैंने हैप्पी न्यू ईयर भर दिया था, यहाँ पे फिलअप कर दिया था. इसको आपने कितने टाइम्स रिपीट करना वो भी कर दो, 1000 times करना, 100 times करना, 10 times करना, जितना भी करना आपने, मैक्सिमम 1000 times है. तो इसको कॉपी कर लिए या डायरेक्ट सेंड करना है वो आपकी ऑप्शन है. मैंने डायरेक्ट सेंड पे क्लिक किया. डायरेक्ट सेंड के बाद जो आपने कॉन्टैक्ट पे शेयर करना है उसको दबाकर ये देखो रीड मोर की ऑप्शन आ गई, ये 1000 times आ गए यहाँ पे. तो गाइस, अब हमारी फोर्थ एप्लीकेशन का नाम है राउंड कॉर्नर्स. अब राउंड कॉर्नर्स आप सोचते होंगे कि क्या फ़ायदा है. अब क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ. अब कुछ लोगों को क्रेज़ होता है कि हम एसेट लें, S9 लें या फिर Note 8 लें. जो S9 अभी आई थिंक 2018 में आएगा वो भी लेने की सोचेंगे, बट जो लोग उन्हें एलिजिबल नहीं है परचेज़ करने के लिए उनके लिए ये एप्लीकेशन बेस्ट है जिनको क्रेज़ है एज डिस्प्ले का. तो यहाँ पे आपको राउंड कॉर्नर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करनी है, आपको एंड्रॉयड पे मिल जाएगी, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे.
यहाँ पे आपको कॉर्नर्स का साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप उसका डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। ये यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा राउंड दिख रहा होगा, मेरा एक्चुअली एसिड है तो शायद ना विजिबल हो। ये मोस्टली कॉर्नर डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए होते हैं, जो रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होती है इनकी। आप यहाँ पे इनके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक रखना है अगर आपका फोन ब्लैक कलर का, ब्लैक रख लिए, वाइट रखना है वाइट रख लो, ओपेसिटी कितनी रखनी है, जितनी की डार्कनेस है वो रखना है, कॉर्नर कौन कौन से शो होने चाहिए वो यहाँ पे आप देख कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके कॉर्नर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा, आप यहाँ पे कस्टमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा रखना है। तो ये हमारी अब लास्ट एप्लीकेशन का नाम है शाज़ाम। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको मतलब सॉन्ग रिकॉग्नाइज करके देती है। लाइक सपोज़ अगर आप कहीं पे जाते हो पार्टी में या फिर डिस्को में या कहीं पे भी आप सुनते हो कोई सॉन्ग जो आपको पसंद आ जाता है बाय चांस, तो आपको ना तो उसके लिरिक्स याद रहते हैं, लाइन्स याद रहती हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट एप्लीकेशन है। आपको क्या करना है, वो सॉन्ग चल रहा होगा, सॉन्ग के पास जाके आपने ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो ये लोगो दिख रहा है, तो गाइस मैंने इसलिए अपनी बोलना बंद कर दिया था क्योंकि ये कह रहा था कि जो माइक है वो ऑलरेडी किसी और एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ हो रहा है, वो एक्चुअली मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर था, तो इसलिए मुझे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर का माइक म्यूट करना पड़ा एंड देन वो स्क्रीन पे मैंने किया था। समझ ही गए होगे यार आप वीडियो देख के। तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार वो सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।